जो बच्चे अप्रैल 2020 में जिनके लिए प्रमोटेड पास का एनआईएस बोर्ड ने बोल दिया है उनको कैसे टीएमए और प्रैक्टिकल के बेसिस पर पास किया जाएगा। और बच्चों को ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरा सबमिट है तो क्या होगा, सबमिट नहीं है तो क्या होगा, सर मैंने सबमिट किया था, सर मैं सबमिट करना भूल गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में हैं, तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी टीम के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल पर आए, तो हमने अपनी गाइड इंस्टीट्यूट की जो टीम है, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट की जो टीम है, उनको साथ बिठाया और मैंने कहा कि भाई अगर हमारे पास इतने मैसेज आ रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो सवाल जो है वो आप तक उसके जवाब पहुंचने चाहिए। तो एक ही बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को हमने इकट्ठा किया है, उस क्वेश्चनों को इकट्ठा करके उसका आंसर बनाया और मैं आपके सामने उसे डिलीवर कर रहा हूं कि क्या आंसर उसके होंगे। तो इस वीडियो में आप पूरा देखें बच्चे क्या करते हैं, मैंने हर वीडियो बोला है कि फटाफट फटाफट स्किप करके देखते हैं और बाद में पता लगता है कि भैया उसको तो समझ में ही नहीं आया, फिर सीधा वो क्वेश्चन डाल सर ऐसा बता दो क्या होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद अपना दिमाग में क्वेश्चंस का आंसर बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे कि आप एनआईएस में कैसे पास होने वाले हैं जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये तो कहने की जरूरत नहीं चाहिए, आप तो सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए हमारे और बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम एनआईएस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा नंबर है, अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप उस पर कमेंट कर पूछ सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला था कि टीएमए प्रैक्टिकल से कैसे पास होंगे। नोटिस के थ्रू सबको ये मैंने क्लियर कर दिया था, वो नोटिस अभी भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एनआईएस बोर्ड ने नोटिस के थ्रू ये क्लियर कर दिया था कि जो भी बच्चे अब जिनका मार्च और अप्रैल में एग्जाम था, जिनको 17 जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया था, उनको अब कैसे पास किया जाएगा। तो उसकी डिपेंडेंसी उन्होंने दो तीन चीजों पर रखी। पहला कि उनके असाइनमेंट के बेस पर, अगर बच्चों ने असाइनमेंट जमा करें तो उसके बेस पर उन्हें नंबर मिलेंगे। दूसरा था अगर बच्चों ने प्रैक्टिकल सबमिट करें, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है कहा है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जमा करें तो वो करें तो उसके बेस पर नंबर मिलेंगे। तीसरा था अगर बच्चे ने मान लीजिए तीन सब्जेक्ट का एग्जाम अक्टूबर में दिया था और उसके जो सब्जेक्ट रह गए थे वो अप्रैल में देने वाला था, तो उनके बेसिस पर भी बच्चों को पास किया जा रहा है। तो कितने बेस हुए, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स और लास्ट ईयर के एग्जाम। अब इन तीनों में से क्वेश्चन उठते हैं कि सर अगर तीनों में अलग अलग सिचुएशन है हर बच्चे की तो उन सिचुएशन को कैसे समझाया जाएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट की। जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं वो सभी के सभी बच्चे पास होंगे, आप ये क्लियर समझ लीजिए। क्या जिन बच्चों ने असाइनमेंट जमा कर दिए वो सारे बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। अब यहां से क्वेश्चन समझ, अगर असाइनमेंट जमा कर दिए तो कितने नंबर मिलेंगे, कितनी परसेंटेज होगी। देखो बच्चों, ऐसा एनआईएस ने कोई नोटिस नहीं दिया है और हमारा चैनल जब तक कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता जब तक उसको नोटिस ना मिल जाए, कोई कुछ भी हवा में बनाता रहे, लेकिन हम लोग सिर्फ तभी इंफॉर्मेशन जब होता है। हमने अंदाजा लगाया कि बच्चों को पास कैसे किया जाएगा, तो असाइनमेंट में नंबर के अकॉर्डिंग आपको पास किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20 नंबर का असाइनमेंट है तो मोटा मोटा हो सकता है कि आपको उसमें 60% मार्क्स दे दे, 40% मार्क्स दे दे, यानी अगर आपके 15 नंबर है तो अगर हमें उसका 40% लगाऊं तो जोड़ जाड़ के आपको वो पास कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसमें पास हो जाएंगे। जैसे ही कोई आएगा मैं आपको बता दूंगा कोई नोटिस आएगा, तो मोटा मोटा मान के चलो जो 15 नंबर है तो आपको हो सकता है कि उसका क्योंकि 1/3 कर दे, 15 45 यानी 45 मार्क्स और 15 हो तो आपके 60 मार्क्स हो जाए, या आपके 20 है तो 60 हो जाए, तो इस तरीके से आपके मार्क्स वो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है जो टीएमए के लिए उन्होंने बोला है कि हम ऐसे पास करेंगे, लेकिन हाँ ये क्लियर है जिसके असाइनमेंट जमा है वो पास हो गए। अब यहां पर दो क्वेश्चन उठते हैं असाइनमेंट के लिए कि सर मैंने जमा किया था और मेरा अभी बोर्ड पर उस पे जो हम डैशबोर्ड में जाके आप लॉगिन आईडी पासवर्ड चेक करते हैं उसमें नोट सबमिट लिखा आ रहा है, तो बच्चों अगर आपका नोट सबमिट लिखा रहा है और आपने जमा किया है तो आपने जहां पर जमा किया है वहां बात कीजिए। अब बच्चे कहते हैं सर वहां हमने कॉल करी, कॉल नहीं, बेटा फिजिकली जाइए, आपको पास होना है, आप वहां पूछिए, पूछिए कैसे क्या करना है। अगर आपने जमा किया है तो और सबमिट और नोट सबमिट लिखा रहा है तो आप उनसे बात कीजिए।
ठीक है, स्टडी सेंटर पर जाइए, रीजनल सेंटर पर जाइए, नोएडा हेडक्वार्टर पर जाइए, इन तीनों जगह तो पूछना पड़ेगा ना, इनके नंबर्स पे कॉल कीजिए या इनके वो मेल कीजिए, तभी तो आपको पता है घर बैठे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैंने असाइनमेंट जमा ही नहीं किए, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो बताया नहीं गया, जिसने एडमिशन लिया था उसने बताया नहीं गया। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप नॉन एक्सपर्ट से फॉर्म भरवा लेते हैं, जैसे साइबर कैफे से, भैया से, खुद भर लिया, तो उसमें क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और आपने असाइनमेंट जमा नहीं किए। आगे से ध्यान रखना, अगर आपको कोई फॉर्म भरना है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम फॉर्म भरकर आपको सही तरीके से गाइड करेगी। आगे आपका कोई भाई हो, कोई और भरना चाहता हो, तो आप उसको हमारा नंबर दे सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन लिंक में, हम आपका फॉर्म सही से भर देंगे और आपको अप टू डेट बताते रहेंगे। चलिए, तो अब क्या हुआ कि जी मैंने फॉर्म भरा, भैया ने भर दिया, साइबर कैफे वाले ने भर दिया, उसने हमें असाइनमेंट के बारे में नहीं बताया, हमने असाइनमेंट जमा नहीं करे। अब जमा नहीं करे तो आपको किस बेस पर पास किया जाएगा? तो इस केस में आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट बना के तैयार कर लो और अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर या नोएडा हेडक्वार्टर जाकर पता करो कि वो कब सबमिट कर रहे हैं या वो कैसे सबमिट कर रहे हैं। जिन बच्चों का असाइनमेंट जमा नहीं हुआ है उनका वो कैसे करेंगे, असाइनमेंट बनाकर रख लो आप। पता लगता है, नोटिस आएगा आजकल में कि नहीं, जिनको नहीं जमा हुआ है वो, क्योंकि अभी लेट पेमेंट जमा हो रही है, असाइनमेंट की लेट पेमेंट जमा हो रही है ऑनलाइन। आपने देखा होगा जब आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है असाइनमेंट की फीस जमा करने के लिए। तो जब आप असाइनमेंट की फीस जमा कर रहे हो लेट पेमेंट, तो उसी के बेसिस पर तो वो पास कर सकते हैं। तो आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर या नोएडा हेडक्वार्टर, तीनों में से कहीं पता कर लें कि सर हम ऑनलाइन अपनी फीस जमा कर रहे हैं लेट पेमेंट की, तो हमारे असाइनमेंट कैसे और कब जमा होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले असाइनमेंट बनाने होंगे। अगर आपको 100 असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको 100 असाइनमेंट मिल जाएंगे, हमारी टीम आपकी असाइनमेंट बनाने में मदद कर देगी। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, असाइनमेंट से आप पास होंगे, मोटा मोटा अंदाजा मान के चलो, एनएस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है लेकिन मैं अंदाजा मान के चल रहा हूं कि अगर जिसके 15 नंबर है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 से 45, 15 3 से 45, तो 45 प्लस 15 तो आपके 60 नंबर आ जाएंगे, आपके 18 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं, ये मेरा अनुमान है, लेकिन नोएडा की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये था, सर मैंने सबमिट किया, नॉट सबमिट आ रहे हैं, तो आप अपने जहां आपने सबमिट किया था वहां जाके पता कर लो। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने सबमिट ही नहीं किया, तो आप अपने असाइनमेंट बना लें और बनाकर अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, नोएडा हेडक्वार्टर पता करें कि वो कब जमा कर रहे हैं, क्योंकि लेट पेमेंट फीस जमा हो रही है। ठीक है, दूसरा अब आता है प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल के बेस पर कैसे पास हो। मान लीजिए बच्चों आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 में से आपके 2 प्रैक्टिकल है, तो और आपने प्रैक्टिकल दे दिए थे, ठीक है, और असाइनमेंट भी दे दिए, तो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल दोनों के बेस पर आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल जमा नहीं किया है या आपका प्रैक्टिकल जमा नहीं हुआ है तो प्रैक्टिकल की फाइल रेडी कर ले, और जैसा मैंने असाइनमेंट वाले केस में आपको समझाया था ऐसा ही प्रैक्टिकल वाले केस में, कि आप एक बार पता कर ले स्टडी सेंटर पर या जहां पर आपका असाइनमेंट और प्रैक्टिकल जमा होना था कि वहां पर वो जमा हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप ये भगदड़ नहीं करेंगे, आप अगर नहीं जाएंगे, आप नहीं बात करेंगे, तो आप हो सकता है कि सेशन में रह जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हेल्प हमसे चाहिए हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आप एक बार पता जरूर कर लें कि सर जो प्रैक्टिकल सबमिट नहीं हुए वो सबमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे अपने स्टडी सेंटर पर जाकर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का सेम असाइनमेंट वाला प्रोसेस है, आप प्रैक्टिकल की फाइल बना के तैयार रखें, जैसे ही कोई नोटिस या नया नोटिस आता है आप जाकर उसको जमा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जब लॉकडाउन लगा था मार्च में और उसमें एग्जाम वो थे प्रैक्टिकल थे, कुछ बच्चों के फरवरी में थे नहीं दे पाए, तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन एनएएस बोर्ड ने जरूर दिया होगा। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ले ले, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए बनी बनाई तो आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ये क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि सर मैंने, मेरे 5 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट के एग्जाम मैंने अक्टूबर में दे दिए और 2 में मैं फेल हो गया था, तो मुझे वो कब देने थे, अप्रैल में देने थे, मतलब अक्टूबर 2019 में उसको 3 सब्जेक्ट देने थे, 5 दिए थे, 3 में पास हो गया और 2 में फेल हो गया, तो अब उसको वो 2 सब्जेक्ट कहां देने थे, अप्रैल में देने थे। तो सर अब मैंने असाइनमेंट भी नहीं दिया, प्रैक्टिकल भी नहीं दिए, तो बच्चों आपको जो पीछे आपने 3 सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स आए उसके बेसिस पर आपको 2 सब्जेक्ट में मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं?
आपने 5 सब्जेक्ट एग्जाम अक्टूबर 2019 में देना था, आपने 4 सब्जेक्ट एग्जाम दिए और एक में फेल हो गया, ठीक है, 4 में पास हो गए, तो इस एक सब्जेक्ट को जो आप अप्रैल में देने वाले थे, इन 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर उस सब्जेक्ट में आपको पास कर दिया जाए। और अगर उसमें आपके असाइनमेंट जमा है, प्रैक्टिकल जमा है, तो आपकी परसेंटेज बढ़ा दी जाएगी। बात समझ रहे? तो ऐसे ही अब आते हैं नए बच्चे, बिल्कुल फ्रेश, जिनको पहली बार अप्रैल में एग्जाम देना था, उनके तो एग्जाम हुए नहीं, उनके तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उन बच्चों को असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के बेसिस पर सही नंबर दिए जाएंगे। तो आप अपनी लेट पेमेंट जमा कर लें एक बार, और जमा करके असाइनमेंट बना लें, बनाकर असाइनमेंट और प्रैक्टिकल फाइल दोनों बनाकर आप एक बार जाकर अपने स्टडी सेंटर और उस पर जाकर एक बार इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता रही थी मुझे आपको कि जी ये रिक्वेस्ट फॉर्म भर दो, जी वो भर दो, ऐसे कर दो, वो कर दो। देखो बच्चों, सिंपल सा एक लॉजिक है, हमारा एनआईएस बोर्ड है, हमें एनआईएस बोर्ड में जाकर अपना फी जमा करना है, एनआईएस बोर्ड में जाकर हमें असाइनमेंट जमा करने हैं, और अगर आपको कुछ भी एनआईएस बोर्ड से करना है तो आप उन्हें मेल कर सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एनआईएस फॉर्म ने कोई ऐसा फॉर्म नहीं बनाया है कि जिसमें आप जाकर कि कुछ भी आप कर लें और जाकर उससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि आप सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपनी फीस जमा करने के लिए लेट पेमेंट जो चार्ज है उसको जमा करके आपको अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर जाकर पता करना है कि आप क्या कर सकते हैं, और आप अपना मेल कर सकते हो उनको। मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि कहीं आपके पास कोई मेल तो नहीं आया, तो आप एक बार ईमेल आईडी में जाकर चेक कर लेंगे जो आपने फॉर्म में दी थी, या आप अपने डैशबोर्ड में ओपन करके देख ले उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया, या आप अपने मोबाइल में चेक कर ले कि उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया कि आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ आया है तो तुरंत आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वो क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे नोटिस में अभी ऐसा कोई मैसेज या वो व्हाट्सएप नहीं आया किसी भी स्टूडेंट्स को। अगर आया है तो आप हमसे शेयर कर लीजिए, हम उसको बात करके एनआईएस हेडक्वार्टर आपको बता देंगे एग्जैक्टली क्या है, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटी मोटी बातें इसमें हो गई हैं और आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ गई हैं। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी पास हो जाएंगे। आप इस पैनिक में मत रहना कि आप पास नहीं होंगे, पास सब होंगे, ऑन डिमांड एग्जाम वाले बच्चे भी पास होंगे, लेकिन उनका अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका भी नोटिस आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। और हमारे चैनल को फिर से वही कहूंगा, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, जिससे कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आपके दोस्तों तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी चीज समझ में आई होगी, और आगे भी हमारा अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।